चली गई वो दोनों, कहाँ ढूंढू उन्हें? अरे ये दोनों तो यहीं पर, अरे हाँ मैं क्यों छिप रही हूँ, ये लोग तो मुझे देख ही नहीं सकती। ये दोनों यहाँ पर कर क्या रही हैं? कौन बीमार हो गया? हे भगवान, मोहन जी को कुछ नहीं होना चाहिए, उनकी रक्षा करना। तुम मारे क्या करनो? मारे तो बता, हारे रावण कब आओगो? ये रावण भेजा उसने, पहले आदमी भेजने के लिए बोला था, उसने लुगाई भेज दी, वो भी नचनिया। अरे चल, पहले ही देर करके आई है और ऊपर से नखरा दिखा रही है, चल। अरे बस बहुत हो गया, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं कोई रावण वावन नहीं बनने वाली। हाँ कैसे ना करेगी, बेसजी भेजी है मंगत राम को। मैं ऑपरेशन तो करने जा रहा हूँ प्यारे मोहन का, पर उनकी हालत बहुत ही खराब है। पर डॉक्टर साहब वो बच तो जाएंगे ना? फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। मंत्री जी से अपॉइंटमेंट ले रखा है, वो आने वाले हैं, तो ये जल्दी खत्म हो तो। हाँ साहब, अब क्या करें, जैसे विवाह संपन्न होगा तभी जा सकते हैं। अरे भाई शिबू, वो पंडित अभी तक नहीं आया, पंडित जी को फोन करो भाई, कहाँ रह गए, अभी तक आए नहीं। मैं तब तक आरती को फोन करता हूँ, देखता हूँ तैयार हुई या नहीं। हे भगवान, यहाँ तो कुछ भी नहीं बदला, इसका मतलब भविष्य की लवली ने अभी तक नकली मासा का पर्दाफाश नहीं किया। बाबूजी, आपको पता ही नहीं है कि आप कितनी बड़ी साजिश का शिकार हुए। जो मासा हमारे साथ इतने सालों से घर में रह रही थी, एक्चुअली वो हमारी मासा थी ही नहीं, वो नकली मासा थी। ये नहीं हो सकता। पर बाबूजी यही सच्चाई है। मैं नकली मासा को असली मासा समझ के अपने साथ लेती आई, वो तो मुझे तब पता चला जब मैंने उनकी हरकतें देखी, तब मैं समझ गई कि ये कि असली मासा नहीं हो सकती। इस चिप से हमें सारी असलियत पता चल जाएगी, पता चल जाएगा कि जो हमारे घर में थी वो नकली मासा थी और असली मासा तहखाने में बंद थी। ये तुम क्या कह रही हो? अगर ये शादी नहीं हुई तो मेरे लल्ला और लल्ली का क्या होगा? हम इस शादी से पीछे नहीं हट सकते। बाबूजी आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे, हमारी मासा जिंदा है। पता है, वो जिंदा भी, और हमें शादी की तैयारी करते हुए देख भी चुकी। अपनी शादी को बचाने के बजाय वो पार्टी में नाच रही है। जजमान जल्दी करिए, शादी के मुहूर्त के लिए 1 घंटा ही बाकी है। ऑपरेशन हो गया डॉक्टर साहब, क्या हुआ? देखिए ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन 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 क्या डॉक्टर साहब? हमें उन्हें ऑब्जर्वेशन पर रखना होगा अगले 2 घंटे के लिए। डॉक्टर साहब एक मिनट। हाँ करेंटे भाभी, क्या हुआ? लवली बहुत जरूरी काम है, तू बस जल्दी से घर वापस आ जा। पर भाभी मैं, तू बस जल्दी से घर आ। ठीक है, मैं तुरंत पहुंचती। हाँ थैंक यू सो मच सर, लेकिन मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे घर जाना होगा। अगर आपको कोई भी जरूरत पड़े तो तुरंत मुझे फोन करके बता दीजिएगा। ओके थैंक यू। खाना जी, इसका मतलब हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है, 1 घंटे में आरती और बाबूजी की शादी हो जाएगी। अब हम क्या करें? पता नहीं, लगता है सब कुछ जानते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे।